सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े ड्रग्स मामले में प्रिया चक्रवर्ती को मुंबई की भाईखला जेल में बंद है। मुंबई की भाईखला जेल में प्रिया चक्रवर्ती का आज चौथा दिन है और उन्हें अभी फिलहाल 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में रखना है। रिया के पास जेल में ना तो बेड है और ना ही सीलिंग फैन। रिया चक्रवर्ती जिस जेल में है उसके ठीक बगल में शीना बोरा हत्याकांड की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी भी रह रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिया चक्रवर्ती को जेल में बेड और सीलिंग फैन नहीं मिला है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि रिया चक्रवर्ती को बाघला जेल में सोने के लिए मैट दी गई है। उन्हें ना तो तकिया मिला है और ना ही बेड। अधिकारी की माने तो जब कोर्ट इजाजत देगा तो उन्हें एक टेबल फैन मुहैया कराया जाएगा। उनके सेल की खास तौर पर सुरक्षा रखी जा रही है। 3 शिफ्ट में 2-2 गार्ड मौजूद रहते हैं। सूत्रों की माने तो जेल प्रशासन की ओर से रिया चक्रवर्ती की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें अलग सेल में रखने का फैसला लिया गया है। सुशांत सिंह राजपूत मौत की मुख्य आरोपी होने के नाते उन्हें खतरा हो सकता है। बता दें, रिया पर सुशांत के पिता केके सिंह ने अभिनेता को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए हैं। सुशांत केस से जुड़े ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती समेत सभी 6 आरोपियों को पिछले सप्ताह NCB ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद कोर्ट ने सबको न्यायिक हिरासत में भेज दिया। शुक्रवार को मुंबई की एक स्पेशल अदालत ने रिया समेत इन सभी आरोपियों की बेल खारिज कर दी। इससे पहले मंगलवार को मजिस्ट्रेट अदालत ने रिया चक्रवर्ती को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद रिया ने जमानत के लिए दूसरी बार प्रयास किया था जिसमें भी उन्हें झटका लगा। अब रिया चक्रवर्ती हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का विचार कर रही है। उनके वकील सतीश ने कहा कि कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने के बाद वो अगले सप्ताह हाई कोर्ट जाने के फैसले पर विचार करेंगे। एनसीबी द्वारा गिरफ्तार किए जाने और कोर्ट में पेश करने के बाद मुंबई के एक स्थानीय मजिस्ट्रेट ने रिया को मंगलवार देर रात 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, क्योंकि जेल मैनुअल के मुताबिक रात में किसी कैदी की एंट्री नहीं होती। इसलिए रिया को मंगलवार की रात एनसीबी के लॉकअप में ही रखा गया। अगले दिन बुधवार को जेल भेजा गया। पूरे मामले में आपका क्या कहना है हमारे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।